आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली को संबोधित किया और धारा 370 के मसले पर उन्हें चुनौती दी। जलगांव की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि वो एक बार फिर फडणवीस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार के लिए समर्थन मांगने आए हैं। इसके बाद पीएम मोदी सकोली में रैली की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से 370 हटाने का विरोध कर रहे दलों को खुली चुनौती दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर विरोध करने वालों में हिम्मत है तो वे अपना स्टैंड स्पष्ट करें। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने ऐसे दलों से अपने चुनावी घोषणा पत्रों में धारा 370 वापस लाने का ऐलान करने की मांग की है। मोदी ने कहा, कान खोलकर हमारे विरोधी सुन ले, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में और आने वाले चुनावों में भी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि धारा 370 वापस लाएंगे। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विषय में अनाप शनाप बातें करने वाले लोग, अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370 35A जो भाजपा ने मोदी सरकार ने हटाई है वो घोषणा करें, हम वापस लाएंगे। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, वो मां भारती का शीश है। वहां का कण कण भारत की शक्ति को मजबूत करता है। पीएम ने कहा, 5 अगस्त को आपकी भावना के अनुरूप भाजपा एनडीए सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला किया, ऐसा फैसला जिसके बारे में सोचना भी असंभव लगता था। जम्मू कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकि भाइयों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पीएम ने यह भी कहा कि कश्मीर में सिर्फ आतंक और अलगाववाद का विस्तार हो रहा था। संघ प्रमुख ने किसी के प्रति कोई घृणा न होने पर जोर देते हुए कहा कि संघ का उद्देश्य भारत में परिवर्तन तथा उसे बेहतर भविष्य की ओर ले जाना है। इसके लिए देश में पूरे समाज को संगठित करना है, न कि केवल हिंदू समुदाय को। उन्होंने कहा, यहूदी मारे मारे फिरते थे, अकेला भारत है जहाँ उनको आश्रय मिला। पारसी की पूजा और मूल धर्म केवल भारत में सुरक्षित है, विश्व के सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेंगे। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं। स्थानीय सोआ विश्वविद्यालय में आयोजित संघ के बुद्धिजीवी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर भागवत ने कहा कि समाज को संगठित करने के लिए संघ काम कर रहा है। संगठित समाज के जरिए ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा, हमारी किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है। मारे मारे यहूदी फिरते थे, अकेला भारत है जहाँ उनको आश्रय मिला है। पारसियों की पूजा उनके मूल धर्म सहित सुरक्षित केवल भारत में है। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, जो देश में बदलाव ला सके और उसे विकास में मदद दे सके। ये हमारी इच्छा है कि आरएसएस ठप्पा हट जाए और आरएसएस तथा समाज एक समूह के तौर पर काम करे। भारत की विविधता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश एक सूत्र में से बंधा है। भारत के लोग विविध संस्कृति, भाषाओं, भौगोलिक स्थानों के बावजूद खुद को एक मानते हैं। भागवत संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए ओडिशा में है। संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित अन्य कार्यक्रम 9 दिन तक आयोजित होंगे। इसमें देश के विभिन्न स्थानों से बुद्धिजीवी तथा संघ के प्रचारक भाग ले रहे हैं। एमपी में कांग्रेस नेताओं के बीच आपस में घमासान मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ सरकार पर किसी न किसी तरह दबाव बनाते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ऐसा करके कांग्रेस नेता कमलनाथ पर दबाव बनाकर अपने काम निकलवाते हैं। कमलनाथ को डराओ और काम कराओ। जब लगा कि सुनवाई कम हो रही है तो गाय की फोटो खींचे और ट्वीट कर दिए। बाद में काम हो गया तो कहने लगे सब अच्छा है। यह खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में। देखो, ये सब दबाव बनाने के लिए खेलते हैं और दबाव बना के अपने काम करवाते हैं। कमलनाथ को डराओ, काम करवाओ। जब लगा कि अब थोड़ी सुनवाई कम हो रही
गाय के फोटो खींचे और डाल दिए, ट्वीट कर दिया, और बाद में जब काम हो गया तो उनका नहीं अच्छे हैं, ये खेल चल रहा है मध्य प्रदेश। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सरकार को घेरने पर कमलनाथ सरकार पर तंज कसा। भार्गव ने कहा, ये आपस में क्या संवाद नहीं कर सकते, ट्वीट करने की क्या जरूरत है। भार्गव का कहना है, प्रदेश में कई मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, कुछ सामने से हैं तो कुछ पर्दे के पीछे से। ऐसी सरकार किस काम की जिसमें संवाद ही नहीं है। कर्ज माफी हुई नहीं, मुआवजा मिला नहीं, फेस सेविंग के लिए कांग्रेस के सारे बड़े नेता कर्ज माफी पर व्यंग और बयानबाजी कर रहे हैं। ये हर बात में केंद्र सरकार का रोना रोया जाता है, चाहे राहत राशि हो, फसलों की नुकसानी हो, मकानों की नुकसानी हो, जनहानि हो, पशु हानि हो, अब इसके बाद में सड़कों के गड्ढे हो गए तो उसके लिए भी केंद्र सरकार पैसा दे। राज्य का 2,35,000 करोड़ का बजट है, इस बजट का ये सरकार क्या उपयोग कर रही, सबसे पहले ये बताए। अरे उसी में से 1,000-2,000 करोड़ रुपया निकाल के सड़कों की मरम्मत करवा ले। 2,35,000 करोड़ रुपये का बजट है, 1,000-2,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल सकते। अरे मैं मान के चलता हूँ ये सब बहानेबाजी है और अपनी अक्षमता को दर्शाने का। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण मामले की जांच पर गोपाल भार्गव ने कहा, कई पुराने मामलों में कांग्रेस के नेता घोटाले की बात करते हैं, बाद में विधानसभा में कहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जो मंत्री आरोप लगा रहे हैं उन्होंने खुद ही विधानसभा में इस मामले में क्लीन चिट दी है। इंदौर में होने वाले मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश पर भार्गव ने कहा, आज तक प्रदेश में एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया इस सरकार ने, न किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। छोटे उद्योगपतियों पर सरकार का ध्यान नहीं है, सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कमलनाथ सरकार कर रही है। कमलनाथ के करीबी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संघ और बीजेपी पर हमला बोला। वर्मा ने कहा, आने वाले 4 सालों में संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा वैचारिक झगड़ा होगा जो देखने लायक होगा। उन्होंने कहा, एक तानाशाह दूसरे तानाशाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, मोहन भागवत के भाषण में अब पहले जैसा नूर नहीं रहा है। संघ प्रमुख के समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी उनसे आगे निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार मोहन भागवत कंपनी की देन है। 4 साल के अंदर एक दिन वो जरूर आएगा जब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच जो वैचारिक युद्ध होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि एक तानाशाह कभी दूसरे तानाशाह को नरेंद्र मोदी की सरकार के बनने के पीछे की कंपनी का हाथ। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में केंद्र की मोदी सरकार से कहा कि उसे मंदी का अनुभव करना होगा, तभी वह मंदी से निपट पाएगी। इंदौर में होने वाले औद्योगिक घराने के सम्मेलन मैग्निफिसेंट मध्यप्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह पिछली सरकारों के द्वारा दिखावे के लिए किए गए आयोजनों जैसा नहीं है। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए है जो यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। प्रयास है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए। 18 तारीख को इंदौर में बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, जैसे पहले सम्मेलन होते थे जी। अंतर है, ये बनावटी और मीडिया के लिए सम्मेलन नहीं है, ये सम्मेलन है एक विश्वास उत्पन्न हो मध्य प्रदेश में, लोगों का विश्वास उत्पन्न हो, क्योंकि निवेश तो तभी आता है प्रदेश में जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। पिछले दिनों कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री गोविंद सिंह के निवास पर भोजन करने गए थे। इससे पहले इन अलग अलग गुटों के नेताओं में जमकर खींचातानी थी, लेकिन अब इनके रिश्तों से बर्फ पिघल रही है। लिहाजा गोविंद सिंह ने भिंड में सिंधिया द्वारा किसानों के हक की आवाज़ बुलंद करते हुए वचन पत्र को लेकर दिए गए बयान का भी समर्थन किया है और सिंधिया की जमकर तारीफ भी की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर खजाना खाली करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सरकार बेहतर काम कर रही है, हमने अपने खर्च में कटौती की है ताकि बाढ़ पीड़ितों और किसानों की मदद की जाए। अब बेरी का पेड़ तो है नहीं, जैसे हालात नीचे इकट्ठे हो जाए, पैसा है, बजट से कटौती कर रहे हैं। सभी विभागों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, मंत्रियों को, कि अपने खर्चे में कटौती करें। कौन कौन से हमें विकास कार्य, इन पर हम अभी साल भर बाद 6 महीने बाद कर सकते हैं, उसमें स्टार्ट करें और पैसा निकाल के खर्चा काट के बजट का पहले हम किसानों को देंगे। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बचाव में उतरे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के जीवन को बेदाग और निष्कलंक बताया। वन मंत्री उमंग सिंघार ने शिवराज सिंह चौहान और पूर्व वन मंत्री शेजवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ईओडब्ल्यू में जांच कराकर दोषियों को दंड दिलाने की बात कही थी।
उमंग सिंगार के 10 महीने बाद पौधारोपण की जांच पर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए और कहा कि चरित्र हत्या की राजनीति के लिए कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है। मां नर्मदा की धारा अविरल और कलकल बहती रहे, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण का विराट अभियान चलाया था। 10 महीने बाद अगर कोई व्यक्ति गड्ढे गिनने जाएगा, ऐसा पुनीत काम कि मां नर्मदा की धारा कलकल और अविरल बहती रहे, उसमें वृक्षारोपण का अभियान था। देखो मित्र, शिवराज सिंह जी का जीवन बेदाग और निष्कलंक रहा है। कांग्रेस ने हमेशा उनकी चरित्र हत्या की कोशिश की है, पर हर चीज में इन 10 महीने में इनने जितनी बार चरित्र हत्या की कोशिश की, हर बार खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति रही। एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई ये 10 महीने के अंदर। पूरे 10 महीने हो गए इनको आरोप लगाते लगाते, और 10 महीने में सिर्फ गड़े ही मुर्दे उखाड़ रहे। एक आध बात ये तो बता दें कि इनने कुछ काम किया है क्या इन 10 महीने के अंदर। भोपाल में कैनरा बैंक ने कैनरा नॉलेज कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। आयोजन में छात्रों के साथ साथ कैनरा बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। कैनरा बैंक के जनरल मैनेजर राहुल भावे ने बताया कि कैनरा बैंक की तरफ से क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टॉप पर आने वाले छात्रों को इनाम भी दिया जाएगा। इसके बाद आगे भी उनको कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलेगा। भावे ने बताया कि इस तरह आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बैंक के प्रति जागरूकता लाना है और उनके ज्ञान को बढ़ावा देना है। मंच का संचालन कर रहे अशोक ने बताया कि कैनरा बैंक ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट से भी संबंध रखता है, इसीलिए यह कार्यक्रम कैनरा बैंक और बच्चों की शिक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये कैनरा बैंक के मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छी पहल की है। देश भर के लगभग 22 से 23 शहरों में स्कूल के बच्चों के लिए, जो कि 8वीं से 12वीं के बच्चे हैं, उनके लिए एक जनरल नॉलेज क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया है। और इसमें बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। पहला पुरस्कार 50,000 का है, दूसरा 30,000 का है और तीसरा 20,000 का है। मुख्य उद्देश्य देखिए इसमें दो हैं। एक तो बच्चों को बैंकिंग के बारे में जानकारी मिलेगी, दूसरा उनका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा और बैंक उनके जीवन में किस तरह से योगदान करता है, ये भी एक बहुत सहज स्तर से उनको बताने का प्रयत्न रहेगा। कैनरा बैंक के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने छात्रों के साथ अपने अनुभव भी बांटे। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को जानकारी प्राप्त होती है। ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर से लगभग 32,000 शिक्षकों को फायदा हुआ है। कैनरा बैंक द्वारा ये कार्यक्रम बच्चों के लिए किया जा रहा है और पूरे देश में किया जाता है, ये सराहनीय कदम है। बच्चों को नॉलेज बढ़ाने के लिए उनको एक्सपोजर मिल सके, बैंक की कुछ जानकारियाँ मिल सकें, इसलिए बच्चे शुरू से ही बैंक का नॉलेज उनको रहे, इसलिए ये अच्छा सराहनीय कदम। अभी तो देखिए कि जो शिक्षक थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो परिवार से दूर थे, लगभग 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर। हमने पहली बार ऑनलाइन पॉलिसी के अंतर्गत उनको परिवार के करीब जाने का अवसर दिया। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 16,000 ऐसे पति पत्नी थे जो दूर थे, जो पहली बार उनको एक साथ रहने का उनको अवसर मिला है। तो इस वजह से 35,000 शिक्षकों को ऑनलाइन, उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ा, उनका ट्रांसफर हो गया है। तो कहीं कहीं विसंगतियां हुई हैं, उनको हम ठीक कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने झाबुआ चुनाव में सिंधिया गुट को न पूछे जाने को लेकर कहा कि चुनाव में जिसे भी जिम्मेदारी दी गई है वो कार्य कर रहे हैं, चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सरकार घेरने को लेकर चौधरी ने कहा कि सरकार पर कोई दुग्बाजी नहीं है। प्रदेश में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी ताकि कमी को पूरा किया जा सके। शिक्षकों को दूसरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो विभागों से पूछ कर ही शिक्षकों को कार्य दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, इंग्लिश को कोर्स में नहीं हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ जी की सरकार आई है और कांग्रेस की सरकार आई है, लगातार जनहित के निर्णय लिए जा रहे हैं। लोगों को रोजगार भी युवाओं के लिए दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन में भी बढ़ोतरी की है, कन्या विवाह जो होते हैं उसमें 25,000 से 51,000 किए हैं, लगभग 22,00,000 किसानों के कर्जे भी मध्य प्रदेश सरकार ने माफ़ किए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले 5वीं और 8वीं की परीक्षा नहीं होती थी, हमने लागू की,
अब इस साल से परीक्षा होगी पांचवी और आठवीं की, जिससे शिक्षा में सुधार आएगा। संत निरंकारी सत्संग भवन बैरागढ़ में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इससे पूर्व विशाल रक्तदान जन जागृति पैदल रैली शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई रक्तदान शिविर तक पहुंची। रैली में भोपाल से वदल बैंड प्रमुख आकर्षक का केंद्र रहा। शिविर में लगभग 533 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। सुबह से ही रक्तदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। नियम अनुसार जिनका हीमोग्लोबिन कम था उनका ब्लड नहीं लिया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य रूप से संत हृदयराम गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं, साधु वासवानी कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। यहाँ से दिया हुआ एक एक बच्चे का, एक एक माँ का, एक एक बहन का जो यूनिट रक्तदान जाएगा, किसी बेसहारे बच्चे के पिता की रक्षा करेगा। यहाँ से दिया हुआ एक यूनिट किसी माँ के बच्चे की रक्षा करेगा, किसी बहन के भाई की रक्षा करेगा, किसी बहन के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।